नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 9:15:04 और देखिए ज़बरदस्त मार्केट गैप अप खुला है। बैंक निफ्टी 44,875 के आसपास में दिखा रहा है, यानी कि 45,000 के ऊपर में खुला और 45,000 से ये गिर के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए ज़रा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। हाई इसने लगाया 45,000 के आसपास का, बहुत ही तेज़ रिवर्सल मारा, माने गैप अप खुला है, खुलना भी चाहिए था। कारण है ये कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं और उसी का रिवर्सल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये गैप अप खुला है 44,900, आज का हाई है 44,929। तो चलिए वेट करते हैं। और एक पोजीशन है मेरा, वो मैं अभी 10 रुपये का लॉस, 38 का प्रॉफिट, 136 अभी काफ़ी अच्छा था, एक पोजीशन लिया हुआ है। तो अभी का फ़िलहाल ये पोजीशन रहेगा मेरे पास, उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट करके चलेंगे, देखते हैं इसमें मुझे क्या प्रॉफिट बना के देता है। आज अब 44,920 को ब्रेक कर रहा है बैंक निफ्टी और ये मेरा 460 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। खुलते के साथ ट्रेड मारा बहुत तेज़ी से और एक अच्छा पोजीशन बन रहा है। हालांकि बॉक्स स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक जो सुबह का एक मोमेंट है वो मैं ले लेता हूँ और इसके बाद फिर हम लोग वेट करेंगे बॉक्स स्ट्रैटेजी बनने का। जब वो बनेगा फिर हम लोग उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये सुबह का एक बौनी कर लिया है। आज एक्सपायरी है तो हमने ये ध्यान रखना होगा। अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं क्या मूवमेंट बनता है। समय हो गया दोस्तों 9:49:48। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर कोशिश कर रहा है सस्टेन करने का। ये जो तीन दिनों का रेंज बना रखा था इसने, इस रेंज के ऊपर वो सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग है, उसके बाद भी वो सस्टेन कर रहा है। मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का कॉल दिया हुआ है जिसने हाई लगा दिया 318 रुपये के आसपास का, 300 के ऊपर बाइंग दिया है। और एक कॉल ऑप्शन और है, वो भी अब एक्टिवेट हो सकता है, हो जाएगा। बाकी जेनटेक एक शेयर है जो मैंने पोर्टफोलियो में डिफेंस वाले सेक्टर में दिया था, डिफेंस पोर्टफोलियो अगर आप लोगों को याद होगा। जेनटेक तो मात्र 100 रुपये के आसपास का रिकमेंडेशन था जेनटेक में और वो शेयर आज के भाव पे 638 रुपये का चल रहा है। मैंने कहा था जब तक मोदी सरकार रहेगा आपको डिफेंस वाला स्टॉक बेचना नहीं है। आपने देखा होगा डिफेंस में मैंने BEL दिया था वो दुगुना हो गया, डिफेंस में मैंने BTL दिया वो दुगुना हो गया, HAL दिया हिंदुस्तान एरोनेटिक वो 3 गुना हो गया, इस तरह से करके लगभग मैंने HBL पावर दिया तो वो डबल हो चुका है और ये तो जबरदस्त, ये तो 5 गुना हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा जबरदस्त चल रहा है। तो जब तक मोदी सरकार रहेगा आपको डिफेंस के स्टॉक को बेचना नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होगा उसका स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ था, आपको याद होगा स्टॉप लॉस दिया था मैंने, साफ लिखा था कि 2024 का इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन का घोषणा होगा आप डिफेंस वाला शेयर बेचना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देखा जाएगा सरकार बदलेगा नहीं बदलेगा अलग बात है। HBL पावर ये 45 रुपये के आसपास दिया हुआ था, आप लोगों को याद होगा, आप जाके चेक करेंगे तो 45 से 50 के आसपास था, वो देखिए 67 चल रहा है। तो ये शानदार दिया, शानदार मूवमेंट भी बना। और अच्छा फिलहाल मैं अपनी ट्रेडिंग की बात कर लूँ तो एक छोटा सा ट्रेड लिया हुआ है, ऐसे मैंने 45,100 का कॉल ऑप्शन है, इसमें खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 रुपये का चल रहा है प्रॉफिट, हालांकि और भी ऊपर गया था ये, रख लिया। आज एक्सपायरी है तो खास कोई ट्रेड करने का इरादा नहीं है, कोई बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बन रहा है और वो भी प्रीवियस डे का ब्रेकआउट किया हुआ है। आज का बॉक्स अगर देखें तो लेटेस्ट कोई बॉक्स नहीं है, बल्कि प्रीवियस डे का जो ही 2-3 दिनों का जो बॉक्स बना रखा है उसी बॉक्स के ऊपर वो बस सस्टेन कर रहा है। तो ये भी ठीक है, ऐसे कोई खराब नहीं। अब छोटा सा एक बॉक्स यहाँ पे ये क्रिएट तो कर रहा है, अब इस बॉक्स के अंदर देखते हैं इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो एक मूवमेंट बने, ऐसे एक ट्रेड ले लिया ये दूध भात के जैसा, ठीक है ना, उसके कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वेट करेंगे और देखते हैं क्या सिचुएशन चलता है अभी, है ना। नमस्कार दोस्तों, समय 10:08:59 हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी ने अच्छा हाई मार दिया दोस्तों, ऊपर में जो मैंने आपको कॉल ऑप्शन दिया था वो 339 का हाई मार गया, 340 का मैंने टारगेट दिया था, यानी पहला टारगेट डन हो गया। ये भी मैंने जो एक लॉट ले रखा है, एक ये हो गया कंप्लीट और एक आध होगा कुछ, 45,000 का भी एक लिया था छोटा सा, इसमें 77 रुपये चल रहा था। खैर कोई दिक्कत नहीं, 45,000 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और जो 44,900 वाला है ना,
मैं उस पर फोकस करूंगा। देखिए 44,900 कोई खास नहीं, आज मूवमेंट है वही, शॉर्ट कवरिंग है थोड़ा सा और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं 44,900 पे, 44,900 पे नहीं था बल्कि क्या था, 45,100 पे था ना, 45,100, हाँ ये 45,100। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या मूवमेंट बनता है, अगर आ जाए इसके ऊपर निकलता है तो एक आध लॉट और इंक्रीज कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आज इसे भी काम क्या है, पोजीशन क्या चल रहा है आप देखिए, यहाँ पे पोजीशन मेरा कितना सा है, छोटा सा पोजीशन होगा, ज़्यादा नहीं, 400 रुपया का पोजीशन है मेरा। तो इस टर्मिनल का तो काम टारगेट डन हो गया, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और बैंक निफ्टी 44,975 के आसपास पहुंचा है, हाई लगाया 84 का, 45,000 नियर रेजिस्टेंस है, ब्रेक करता है तो 45,100 तक क्लेम करेगा, तो ठीक है, चलिए बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चल क्या करें, वेट करें या पोजीशन क्लोज कर दिया, एक लॉट इंक्रीज कर देते हैं इसमें, चलिए एक लॉट इंक्रीज कर दिया इसमें, ठीक है अभी वेट करते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का टारगेट डन हो गया, और देखिए बैंक निफ्टी ने जो हाई मारा है अभी 44,985 के आसपास चल रहा है यहाँ पर, और जबरदस्त तरीके से 45,000 की तरफ जा रहा है, कोशिश कर रहा है, बस शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। और ये भी देखिए एक 700-800 का प्रॉफिट बन गया था यहाँ पे, एक ब्रेकआउट अगर बन जाता है तो और भी अच्छा मूवमेंट मिलेगा, 85 तक फिर ये कवर करने का कोशिश करेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, देख लेते हैं क्या सिचुएशन चलता है ना। समय हो गया दोस्तों 11:15:40, आप देखिए क्या जबरदस्त बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, मेरा कॉल ऑप्शन भी 1500-1600 का प्रॉफिट बन गया है। तो अब बैंक निफ्टी का देखिए 45,050 का हाई मार चुका है, तो जबरदस्त प्रीवियस ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर 45,100 का रेजिस्टेंस है 150 तक का, वहां तक ये बात क्लेम कर सकता है। तो मेरा यहाँ कॉल ऑप्शन बहुत ही 17-1800 रुपए का चल रहा है दोस्तों, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो मैं प्रेम पूर्वक राम जी का नाम लेके एक लॉट बुक कर लूंगा, काम यहाँ का खत्म। और बाकी आप लोगों को भी जो मैंने कॉल ऑप्शन दिया हुआ है 44,900 का कॉल ऑप्शन, उसमें अगर आप मूवमेंट देखें 44,900 का कॉल ऑप्शन, तो सारे टारगेट आपको डन हो गए होंगे, हाई मार गया है 388 रुपए का। तो आपको यहाँ पे जो मैंने दिया देखिए 380 का टारगेट दिया था, तो ऑल टारगेट डन बैंक निफ्टी है ना 44,900 का सी, टोटल टारगेट डन हो गया दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका सेवा करता हूँ, नारायण सेवा करता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी अपने मोबाइल ऐप पर भी मैं अपडेट कर देता हूँ। और इसी तरह एक कॉल ऑप्शन और भी दिया था, वो कॉल ऑप्शन था आपके लिए 45,000 का, वो भी हमारा टारगेट आ गया है, इसका हाई है 330। तो आप देखिए 45,000 वाला भी अगर आप देखें ध्यान से, तो 45,000 का 325 का फाइनल टारगेट है, इसका हाई हो गया 330। तो ऑल टारगेट तो ये भी डन हो गया ना, ऑल टारगेट डन। तो देखिए सारे काम हो गए, मेरा भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। अब जो है मैं सिस्टम को बंद करने वाला हूँ, बस मैं आप लोगों को भी सारा अपडेट कर देता हूँ। देखिए किसी ने मैसेज किया, देख लेते हैं क्या मैसेज है। ये अकमोश साहब का, सर गुड मॉर्निंग, प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड आज का क्या मतलब, नहीं समझ में आया मुझे, प्रीमियम ग्रुप ये कौन सा ग्रुप होता है, प्रीमियम ग्रुप। ऑल टारगेट डन हो गया बैंक निफ्टी का 45,000 का भी, ऑल टारगेट डन हो गया इसका भी है ना। चलिए तो अपना काम फिनिश हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी इधर एक लॉट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यही है, कुछ खास नहीं, 13-1400 हो गया इधर, 900 इधर चला, 2200 का प्रॉफिट है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्सपायरी जम गया, हो गया खत्म कहानी। चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों से शाम में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।